हेलो एवरीवन, अगर आपकी राशि धनु है तो मैं चेक करने जा रही हूँ कि आप जिस भी करंट रिलेशनशिप में हैं उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या होने वाला है। बाकी की सारी राशियों पे मैंने अपडेट कर दिया है, मेरे चैनल पे वीडियो डली हुई है, तो उसको जाके ज़रूर देख लें अपनी अपनी राशि के अकॉर्डिंग। ठीक है, तुला, मकर, ऑलमोस्ट सारी राशियाँ आज रात तक अपडेट हो जाएंगी, तो अपनी राशि के अकॉर्डिंग जाके आप अपनी रीडिंग खोल सकते हैं। आइए देखते हैं धनु राशि वाले का करंट रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है। कई लोग पूछते हैं मैम हम किसी रिलेशनशिप में नहीं है, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो किसी रिश्ते में हैं और उनको अपने रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जानना है राशि के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी आपकी राशि के अकॉर्डिंग मैं दूसरी वीडियोस भी डाल दूंगी इसके बाद। ये आपका पास्ट, ये आपके पार्टनर के साथ आपका प्रेजेंट और ये आपका फ्यूचर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पास में आपके पार्टनर किसी जिद को पकड़ के बैठे थे, जिस वजह से आप लोग ऑलमोस्ट बातचीत करते हुए भी फ्रस्ट्रेटेड थे, यानी उस रिश्ते में खुश नहीं थे जो मुझे दिख रहा है। ये आपके पार्टनर जो है, इनमें बचपना बहुत ज़्यादा है, ज़िद्दी हैं, किसी चीज़ को ईगो में आ जाए तो फिर उस चीज़ पे ही नज़र गड़ा लेते हैं, जैसे करियर हो गया या कोई थर्ड पार्टी हो गई, करियर भी थर्ड पार्टी होता है। ठीक है, तो फिर ये आपकी नहीं सुनते हैं, तो पास्ट अच्छा नहीं दिख रहा मुझे धनु वालों का अपने पार्टनर्स के साथ। प्रेजेंट देखते हैं, प्रेजेंट में भी देखा मैंने कहा जैसे कि थर्ड पार्टी पास में रही है, सेम वही हालत अभी प्रेजेंट में है। अब वो थर्ड पार्टी और ज़्यादा हावी हो गई है प्रेजेंट में, आप लोग मुझे लगभग बातचीत करते हुए भी और नो कांटेक्ट में भी दिख रहे हैं। यहाँ पे 90% लोग नो कांटेक्ट में हैं और 10% लोगों की बातचीत हो रही है, यानी ये आपके और थर्ड पार्टी के बीच में कन्फ्यूज हैं, इनको नहीं पता किस तरफ जाएँ। ठीक है, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। फ्यूचर देखते हैं, फ्यूचर में देखिए आपको सुनने में बुरा लगेगा लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी ही दिख रही है मुझे, आपके साथ इनका फ्यूचर नहीं दिख रहा है। मैं एक एंजल गाइडेंस भी ज़रूर लूँगी, थोड़ा सा अवेयर रहिए इस रिश्ते को लेके। ये थर्ड पार्टी की तरफ ही झुकते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि उससे शादी कर लेंगे, ठीक है, वो आप अपनी फुल रीडिंग में पता करिए कि वहाँ पर शादी होगी या नहीं होगी, लेकिन थर्ड पार्टी फ्यूचर में भी है। ठीक है, देखते हैं आपको इस रिश्ते में वेट करना है या मूव ऑन। एक एंजल गाइडेंस मैं ज़रूर लूँगी आपके लिए, आप प्रे करें क्या आता है, और अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है तो कमेंट ज़रूर किया करें। देखिए आपको अभी तो इस पार्टनर से मूव ऑन करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर इनको आपकी तरफ लौटना होगा तो ये आपको अपने आप से सेल्फ लव करते हुए देखने के बाद ही लौट कर आएंगे। अभी आपको इस रिश्ते से आज़ाद होने की ज़रूरत है। ठीक है, ये इंसान जो है अभी थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, हालांकि आप दोनों का लव मुझे ट्रू दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है ताकि ये थर्ड पार्टी को छोड़े और आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। ठीक है, इसी के साथ मैं इस रीडिंग को यहाँ पे क्लोज़ करती हूँ। हर हर महादेव, बाय।